वो देखते हैं ना कोर्सेस क्या है, कोर्सेस अलग अलग होंगे तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा हमें। देखो सबसे पहला हम टॉपिक जो ग्रामर का आपके पास में, देखो टेंसेस में हम क्या, टेंसेस हमारे पास में क्या है, टेंसेस में हम क्या करते हैं वर्ब की फॉर्म के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? वर्ब की फॉर्म में बात करते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म के बारे में बात करते हैं हमारे पास में, जो कि हमें रिलेशन बताती है किसके बारे में, टाइम एंड एक्शन, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। एक्शन जो भी काम हो रहा है, टाइम वो काम कब हुआ है, जो भी काम हो रहा है और टाइम वो काम कब हुआ है, हमें उसके बारे में जो है वो बताती है हमारे पास में। तो अगर हम टाइम के बेसिस पे बोले तो टाइम के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ टाइम, हम इसको किस में डिवाइड कर सकते हैं, तीन में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीन में डिवाइड करते हैं किसमें, फ्यूचर, तीन में हम डिवाइड कर देते हैं। प्रेजेंट क्या होता है हमारे पास, ये हो रहा है आपके पास में, हमारे पास में वो होता है आपके पास में पास्ट, मतलब वो समय जो बीत गया है, पास्ट क्या है, वो समय जो बीत गया है हमारे पास में, हमारे पास में जो आने वाला है, yet to come। फ्यूचर में किसकी बात कर रहे हैं हम, उस समय की जो अभी हमारे पास में आने वाला है, आ रही है ना बात समझ में। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो हम हर एक को डिवाइड करते हैं चार में, हर एक जो है वो हमारे पास चार में डिवाइड किया जाता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस बेसिस पे अगर आप देखो तो हर एक टाइम आपके पास चार में डिवाइड किया जाता है, वो क्या है आपके पास में, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। हर एक को हम चार में डिवाइड करते हैं। अभी हम चार का डिवीजन है हमारे पास, चार का डिवीजन किस तरीके से काम करता है, इसके हर एक के जो भूमिका है वो हम समझेंगे, और ये थोड़ी सी डिटेल में समझने, क्यों ये आपके पास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आएगा, ये आपके पास में डायलॉग में भी आएगा, ये आपके राइटिंग सेक्शन में भी चेक किया जाएगा। तो प्लीज अब मैं थोड़ा डिटेल में कराऊंगी, हर साल जैसे करते थोड़ा ऊपरी वैसे नहीं, थोड़ा डिटेल में, इस साल के बाद ही कराया नहीं जाएगा, 11th में कुछ नहीं कराने वाले, टेंसेस क्या होते हैं, आएंगी नई चीजें, सेम फॉर 12th, तो ध्यान से समझ लो। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, किसकी, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया वो कहाँ किया जाता है हमारे पास, कहाँ किया जाता है, सबसे पहला इसका यूज आप समझ लीजिए, हैबिट और कस्टम, जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, आम जो हमारी दिनचर्या है, प्रतिक्रिया है, ये हम कर रहे हैं, उनको हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए, हमारे हैबिट से, या फिर बताने के लिए, जैसे आई वॉच भाई मैं देखता हूँ टीवी, कस्टम है मेरी, कस्टमरी है मेरी कि संडे मेरा वीकेंड है, भी मैं तो टीवी देखूंगी, आगे ना बात समझ में, संडे मेरा क्या है, वीकेंड है, मैं तो टीवी देखूंगा। दूसरा ऐसे देखो, ही वॉक्स इन द इवनिंग, अब रूटीन बोल लो या फिर आप उसका कस्टम बोल दो या उसकी हैबिट बोल दो,
कि वो क्या करता है, वो इवनिंग में शाम को जो है वो चलता है, घूमने जाता है, चहलकदमी करता है कि नहीं? इसके साथ ही हम इसका यूज किस में करते हैं, कहां पे इसको बताने के लिए यूज करते हैं हमारे पास में? जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ या फिर यूनिवर्सल? यूनिवर्सल सार्वभौमिक, जो हर जगह एक बराबर है। जनरल ट्रूथ जो नॉर्मली हमारे पास में हमारा एग्जिस्ट करता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखो, जनरल ट्रूथ हो गया, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। जनरल ट्रूथ है, क्या इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। हमारे पास में जनरल ट्रूथ है, वी कांट चेंज इट। ऐसे ही टू एंड टू इज, टू एंड टू इज फोर। भाई कहीं से मैं अरिथमेटिक का प्रिंसिपल चेंज करके टू एंड टू को 12 बना सकता हूं? तो जनरल ट्रूथ के लिए भी हमारे पास में प्रेजेंट डेफिनेट का यूज होता है। पर्सनल ट्रूथ, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। भाई ऐसा हो सकता है कि तुम सन को गाओ, बहुत दिन हो गया उसको चक्कर लगाते हुए, अब बेटा तू चक्कर लगा, इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल हमारे पास में। तो जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। इसके साथ ही इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट, अ प्लान फ्यूचर इवेंट। एक फ्यूचर में आपने एक इवेंट प्लान करा हुआ है हमारे पास में, वो अगर बताना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे। जैसे देखो, द रिजल्ट नहीं, द स्कूल ओपन्स नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते, पहले ही बता दिया भाई, इस तारीख पे पेपर खत्म है, इस तारीख पे आपका जो है वो रिजल्ट आएगा, इस तारीख पे स्कूल वापस से नए सेशन में खुल जाएंगे। तो फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन, फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन। जैसे गो फॉर चाइना टूर, भाई ये प्लान हो गया हमारे पास में, जो है वो टूर के लिए जा रहा है हमारे पास में। क्या हो गया? ये प्लान हो गया। तो जहां पे आपके पास में प्लान एक्शन आ रहे हैं वो किस में आएंगे? फ्यूचर में प्लान एक्शन किस में आएंगे? प्रेजेंट इनडेफिनेट में। किस में आएंगे? प्रेजेंट इनडेफिनेट। समझ में आई बात? इसके साथ ही जो हमारे पास में होते हैं, जब हम किसी की कोट को बता रहे हैं उसके लिए यूज किया जाता है हमारे पास में प्रेजेंट इनडेफिनिट। जैसे भाई न्यूटन ने कहा, न्यूटन सेज, क्या कहते हैं न्यूटन साहब? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये भी क्या कहेंगे भाई? किसी ने बात कह दी हमारी, उनकी कोटेशन को हमने बताना है, तो कोटेशन को कोट करने के लिए हमने क्या यूज किया? फ्यूचर इनडेफिनिट। क्या यूज किया? फ्यूचर, सॉरी सॉरी, प्रेजेंट इनडेफिनिट, आई एम सॉरी, प्रेजेंट इनडेफिनिट। देखो सेज आ गया ना वर्ब के फॉर्म के साथ एस, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट। अभी रूल करेंगे, पहले एक बार समझ लो कहां यूज होता है, पर करना है फिर। चलिए बहुत अच्छे।
इसके साथ ही हम इसका कहाँ यूज करते हैं, नरेशंस में, नरेशंस में, नरेशंस क्या होता है, जैसे कि आपने किसी चीज का वर्णन करना है, मतलब आप यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग और आप किसी को जो है वो बता रहे हो, जैसे कि आपने जो है वो कोई मूवी देख के आए और आपने बताया कि भाई रणबीर कपूर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, तो हम क्या करेंगे, ये हम नरेशन कर रहे हैं। तो नरेशन के लिए जैसे रावण फाइट्स ब्रेवली, अब क्या हमने रावण की लड़ाई देखी है, पढ़ाया हमने उसके बारे में और हम किसी को बता रहे हैं, पता है ऐसे ऐसे रामायण थी उसमें रावण ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई करी, तो वी आर नरेटिंग समथिंग। नरेशन से तब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट का यूज करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपके पास में, सेंटेंस विद हियर एंड देयर, हियर और देयर, अगर आपके पास में कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी पता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला, और सेंटेंस आपके पास में हियर या देयर से शुरू हो रहा है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है बात, जैसे कि देखो आप बोलते हो हियर यू गो, हियर यू गो, एक्सक्लेमेटरी, तब भी क्या आएगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट, देयर गोज गेस्ट, एक्सक्लेमेटरी, क्या आ गया, प्रेजेंट इनडेफिनेट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। समझ में आई बात, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही कंडीशनल क्लॉज के लिए, कंडीशनल क्लॉज, क्लॉज तो आपको पता है क्या होता है, क्लॉज क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच मेक सेंस, इनकम्प्लीट सेंस नहीं, फ्रेज होते हैं इनकम्प्लीट सेंस, क्लॉज क्या है, सेंटेंस का पार्ट जो कि सेंस बना रहा है हमारे पास में। कंडीशनल जब एक कंडीशन के साथ में जुड़ा हुआ, जैसे डू नॉट वर्क हार्ड फेल, यानी कंडीशन क्या, कंडीशन है भाई मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, फेल हो जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। तो कंडीशनल क्लॉज के साथ में क्या आ गया हमारे पास, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट। अब रूल देखो, सिंपल से रूल देखो, पहले पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब चलो अलग अलग करते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ईएस, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे देखो आगे बताएंगे, अभी पहला दे डैश क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्या आएगा, क्या आएगा, प्ले, क्यों, क्योंकि दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी डैश फूड इन द इवनिंग, बताइए, कुक, आशीष अपना कैमरा तो ऑन कर ले, कितनी बार बताना पड़ेगा, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या आएगा भाई, तुम भी बता देना, क्या आएगा, बॉइल्स, वाटर सिंगुलर है ना, अच्छा मेरे को नहीं सुनाई दे, बॉइल्स, वी डैश एट एबीसी इंस्टीट्यूट, क्या, स्टडी, शी डैश मी नॉट टू स्म
एडवाइस है आपके पास, एडवाइस। शी एडवाइजेस मी नॉट टू स्मोक। समझ में आ गई बात पक्का वाली? चलो अब करते हैं नेगेटिव। अब बात करते हैं किसकी भाई, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। अब नेगेटिव क्या है हमारे पास में, देखो नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट, अब अगेन सिंगुलर, अलग अलग लिख देते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है हमारे पास में, देखो नेगेटिव में आता है हेल्पिंग वर्ब डू, क्या आता है डू या फिर डस, तो सिंगुलर के साथ आता है डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि डू डज डिड, डू डज और डिड इनके साथ में क्या होता है, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज डिड के साथ क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे सब में। रीना डैश तीन वॉच है, क्या आएगा बताओ? रीना डज नॉट वॉच, क्या आएगा आपके पास, डज नॉट वॉच। रीना सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आ गया डज, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी डैश स्मोक, क्या आएगा बताओ? डू नॉट, डू नॉट, वी डू नॉट स्मोक। ठीक है, नेक्स्ट शी डैश अ लेटर टू हर फ्रेंड, राइट वो है आपके पास, क्या आएगा? डज नॉट राइट, डज नॉट राइट, क्या आएगा? डज नॉट, डज नॉट राइट। नेक्स्ट दे डैश नॉट, अरे यार मैंने डैश नॉट तो बोल ही गया, लाइक बताओ क्या होगा? डू नॉट लाइक, यहाँ रहेगा डू नॉट लाइक। समझ में आ गई बात है कि नहीं? अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव का रूल क्या हो जाएगा आपके पास में, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, स्टार्टिंग में आ जाएगी आपके पास में। तो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आगे डू प्लूरल के साथ दो तीन सेंटेंस कर लेते हैं। डैश यू प्ले क्रिकेट, डू। डैश शी डैश क्लोथ्स वॉश, आगे बताओ ना पूरा बताओ, पूरा बताओ ना पूरा भी क्या आएगा बेटा, वर्ब क्या है? Does she wash, 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 वर्ब मैंने दिया आपको वॉश। Does she wash, wash? बेटा डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो डज शी वॉश क्लोथ्स। समझ में आ रही है बात? अब आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है हमारे पास, देखो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो चलता जाए. कंटिन्यूअस का मतलब जो चलता जाए. प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट में चलता जाए, है कि नहीं. प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में चलता जाए हमारे पास में. तो हम किस में यूज करते हैं, डिस्क्राइब एन एक्शन इन कंटिन्यूटी. Describe an action in continuity. कि भाई कोई काम मेरे पास में है तो प्रेजेंट में मेरे पास में चलता जा रहा है. या फिर कोई एक्शन जो हो रहा है, happening at the time of speaking, at the time of speaking. भाई जब मैं आपसे बोल रही हूँ तब वो काम हो रहा है. I am writing on the board. जब मैं बोल रही हूँ तब मैं लिख रही हूँ आपसे साथ साथ में, ठीक है. साथ ही प्रीअरेंज, हो प्रीअरेंज टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर. प्रीअरेंज हमारे पास में और नियर फ्यूचर. अब देखो प्रीअरेंज और फ्यूचर हमने प्रेजेंट डेफिनेटली में देखा हमने, है कि नहीं. पर वो जो प्री अरेंज होता है वो हमारे पास में शॉर्ट ड्यूरेशन में होना जरूरी नहीं है. ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा, मतलब चार दिन पांच दिन में. जैसे द वेडिंग ऑन संडे, भाई संडे को वेडिंग होने वाली है हमारे पास. भाई कल मैं स्कूल जाने वाला हूँ. नेक्स्ट डे क्या बताया था, नियर अबाउट फ्यूचर नहीं है. वहां पे भी हमारे पास प्री प्लान है, यहाँ पे भी प्री अरेंज है प्री प्लान है. वहां भी आपके पास प्री अरेंज है प्री प्लान है. प्री अरेंज प्री प्लान नियर अबाउट फ्यूचर, हाल फिलहाल एक दो तीन दिन के अंदर है. वो वाला हमारा एक दो दिन के अंदर नहीं था. समझ में आ गई बात. और इसमें हम कुछ शब्द अगर हम बोले तो हम जो हमेशा होते थे, जैसे ऑलवेज, ही इज ऑलवेज च्यूइंग सम च्युइंग गम, हमेशा कुछ ना कुछ चबाता जा रहा है. तो ऐसी कोई एक्टिविटीज होती है ना, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. आ जाओ फटाफट रूल्स पे. रूल्स सबसे पहले सिंपल पॉजिटिव की बात करें. सिंगुलर अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, इस या फिर एम. एम किसके साथ आता है, आई के साथ. एम किसके साथ आता है, आई के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एंग. सॉरी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो आर प्लूरल. हाँ प्लूरल सब्जेक्ट तो आ जाएगा आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे देखो आई डैश अगेन क्या आएगा, आई एम प्लेइंग. यस आई के साथ आएगा एम और प्लेगा हो जाएगा प्लेइंग. आई एम प्लेइंग अगेन. शी डैश अ बुक रीड क्या आएगा, इज रीडिंग. She is reading. We dash Shimla. Go. Are going. We are going. क्या आ जाएगा, are going. समझ में आई बात, यहां तक की बात क्लियर, कोई डाउट है. चलिए नेगेटिव में देखो. अब नेगेटिव में क्या आ जाएगा आपके पास में, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इज एम नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अगर प्लूरल है तो प्लूरल प्लस आर
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। यही होगा हमारे पास में। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो, राम द इंटरनेट, वर्ब है आपके पास सर्फ, क्या आएगा? सर्फ एक्सेल वाला सर्फ नहीं है, क्या आएगा? इट्स नॉट सर्फिंग, इज नॉट सर्फिंग, क्या आएगा? इट्स नॉट, इज नॉट सर्फिंग। सो मच जाएगी, ऐसा लग रहा सो जाएगा। दे डैश मूवी, द मूवी, बताओ। They are not watching. Very good. They are not watching the movie. They are not watching the movie. समझ में आ गई? फिर से मतलब मेरे को बोर हो रहा है, मैं सुबह पर क्या करूँगा? उसने बोला कि मैंने कहा था मैं वो करा देती हूँ पोएट्रिक डिवाइसेस, ये भी होता है पोएट्रिक डिवाइसेस, वो कहते हैं नहीं ड्रामा करा दो, मैंने कहा चल भाई जो मेरी इच्छा वही करा देती हूँ, पढ़ के आना। तो चलो इंटरमीडिएट में आ जाओ, क्वेश्चनिंग हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? वेरी गुड, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम आर प्लस सब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे रीना इज रीना कुकिंग द, चलिए अब आप बना के बताएं मुझे पहले वाला आई एम प्लेइंग अ गेम उसका क्या हो जाएगा हमारे पास इंटरव्यूटिव? एम आई प्लेइंग, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? एम आई प्लेइंग अ गेम। नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा हमारे पास में? वेरी गुड, इज शी रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गोइंग शिमला, शिमला शिमला शिमा शिमा, हम जा रहे हैं शिमा, नई जगह देखी हमने, ये बताइए क्या है इसका क्या होगा? आर वी गोइंग टू शिमला, आर वी गोइंग टू शिमला, ऐसे वी आर, अरे 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 हाँ ठीक है। राम इज नॉट सर्फिंग द इंटरनेट, इसका क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव में आके गाड़ी अटक गई, क्या होगा बताओ? Is Ram not surfing? Very good. Is Ram not surfing the internet? Is Ram not surfing the internet? Next, they are not watching the movie. Are they not watching? Very good. बोलिए बेटा. Are they not watching the movie? से रमजान स्टार्ट नहीं है ना अभी? रमजान मतलब रोजे वाली है ना? कब से? भाई हमारे नवरात्रों से एक दिन आसपास होता है तुम्हारा, तू रखेगा इसका पूरे नहीं रखना ना, अभी जब छुट्टियां तब तक का रखने जो है, चलो कोई नहीं अच्छी बात। चलिए अब आ जाते प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। ओके नहीं तो नहीं, बहुत अच्छे। प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहाँ यूज करते हैं, जहां हमारे पास में एक काम ऑलरेडी हो चुका है, कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमारे पास एक्शन क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिसेंटली भी कंप्लीट कर सकते हैं हमारे पास में और पहले भी हो सकता है हमारे पास में, ठीक है। हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का कब यूज करते हैं, ऑन एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, कहा यूज करेंगे, फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, जहां पे हमारे पास में कोई रिसेंटली हमारे पास में एक्शन कंप्लीट हुआ है। जैसे देखो शी हैज जस्ट टेकन टी, भाई उसने अभी अभी चाय पी है, अरे ना सर, शी हैज जस्ट टेकन टी करते हैं हमारे पास में। इसके साथ ही जिस एक्शन के बारे में टाइम के बारे में ना, फॉर एन एक्शन हूज टाइम इज नॉट मेंशन, किसके लिए यूज करेंगे, एक एक्शन जिसका टाइम आपको मेंशन नहीं है, जैसे कि हैव यू रेड शेक्सपियर, नहीं क्या आपने शेक्सपियर को पढ़ा है, मतलब क्या शेक्सपियर की आपने किताबें पढ़ी है हमारे पास में, अब टाइम मेंशन नहीं है भाई, कब पढ़ने की बात नहीं हो रही है, आज कल परसों हमने बताया नहीं भाई कब की बात कर रहे हैं, आ रही बात समझ में, ठीक है। इसके साथ ही अगर कोई काम आपका ऑलरेडी हो चुका है पर उसका असर अब भी देखने को मिल रहा है, उसका असर अब भी देखने को मिल रहा है, या एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, कंप्लीटेड इन पास्ट बट इट्स इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका इफेक्ट क्या है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसका इफेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, काम पास्ट में हो चुका और उसका इफेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है हमारे पास में, जैसे जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माय वर्क एंड आई एम फ्री नाउ, एंड आई एम फ्री नाउ, या फिर सो आई एम फ्री नाउ, भाई मैंने अपना काम खत्म कर लिया और इसलिए अब मैं फ्री, मैंने अपना काम खत्म कर लिया और इसलिए अब मैं फ्री हूं, तो ये जो मेरा फ्री होना है ये किस कारण से है, क्योंकि मैं अपना काम ऑलरेडी खत्म कर चुकी, तो काम हो गया और उसका असर अभी भी है, समझ में आ रही है बात, उसका असर अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्लियर। यहां पे कोई डाउट है, सिर्फ प्रेजेंट करना है या फिर आगे भी बढ़ना है, आज इतना हो गया, टाइम क्या हुआ भाई, टाइम भी इतना सही हुआ है, अभी तो प्रेजेंट का रहता है ना, बट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है, इसका भी रहता है हमारे पास में, ठीक है। इसके साथ ही कब यूज करेंगे हम, एक्शन दैट ऑलरेडी स्टार्टेड and will be going on, अब देखो इसको ना present perfect continuous के साथ match मत करना, perfect continuous में दो काम की बात हो रही होती है, एक जो खत्म हो गया दूसरा चल रहा है, यहाँ पे एक ही काम की बात हो रही है जो शुरू तो पहले हुआ था पर अभी भी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि I have already
used this brand soap. भाई मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी हूँ इस ब्रांड के सोप का, ऐसा भी है कि मैं अभी भी इस्तेमाल कर रही हूँ, है कि नहीं? तो उस ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात? अगर कोई पास्ट की सिचुएशन है जो हमारे प्रेजेंट के साथ, मतलब इसके साथ नहीं है हमारे पास में, कोई पास्ट की सिचुएशन है हमारे पास में पर वो हमारे, उसका हम यूज करते हैं इसको बताने के लिए। पास्ट सिचुएशन लिंक्ड विद प्रेजेंट, पास्ट सिचुएशन लिंक्ड विद प्रेजेंट। जैसे आई हैव डन my homework so I can help you। present situation क्या है कि भाई मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। present situation क्या है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। past situation क्या है, homework मैंने already कर लिया। आ रही बात समझ में? past situation क्या है, homework मैंने already कर लिया है इसलिए मैं आपकी अभी मदद कर सकती हूं। क्लियर? समझ में आ गई बात? बात करें इसके रूल्स की, तो रूल्स क्या होगा बताओ? सब्जेक्ट प्लस हैज हैज किसके साथ? हैज किसके साथ? श्योर ना? पक्का वाला? वेरी गुड। सिंगुलर के साथ आता है हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब हैज आएगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव आएगा। ठीक है? जैसे जैसे शी हैज गॉन टू मार्केट, शी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज, सिंगुलर है तो हैज। ऐसे अगर मैंने कह दिया आई तो आई के साथ क्या आएगा? हैव। आई हैव गॉन टू मार्केट, आई हैव गॉन टू मार्केट। नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा बोलो? हैज प्लस नॉट। वेरी गुड। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल है तो हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। जैसे शी हैज गॉन टू मार्केट, नेगेटिव क्या होगा? शी हैज नॉट गॉन टू, शी हैज Not gone to market। भाई वो मार्केट नहीं गई है, वो मार्केट नहीं गई है। या फिर I have not gone to market। आ रही बात समझ में? I have not gone to market। क्लियर? इंटरवेटिव में क्या हो जाएगा? इंटरव्यू में क्या होता है? हैज़ और हैव पहले आ जाते हैं, बस बात इतनी है।
इंटरोगेटिव में क्या होता हैज और हैव आगे आ जाते हैं आपके पास में, तो इंटरोगेटिव का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा क्या बन जाएगा, she has gone to market क्या हो जाएगा, has she gone to market, क्या वह मार्केट गई है, आ रही है बस समझ में, has she gone to market, उल्टा हो जाएगा आपके पास में बस, verb helping verb पहले आ रही है, ठीक है, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, I have done my homework so I can help you, have I done my homework, आधी बात समझ में, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ और कुछ नहीं करना है, आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों चीजें आगे, कंटीन्यूअस एक काम चल रहा है, परफेक्ट एक काम हो गया है, परफेक्ट मतलब क्या हो गया है, हमने अभी कहा ना परफेक्ट मतलब क्या हो गया है हमारे पास में, तो ये दो चीज में होता है आपके पास में, दो चीज आ जाती है इसमें हमारे पास में, कि एक काम हमारे पास में जो पास्ट में हुआ था और अभी भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है, एक्शन दैट वॉज done in past and still going on, भाई past में हुआ हमारे पास में, शुरू हुआ past में पर अभी भी चल रहा है, शुरू हुआ past में पर अभी भी चल रहा है, जैसे कि they have been staying in village for a long time. मैं वो गांव में रह रहे हैं बहुत एक लंबे समय से, वो लोग गांव में रह रहे हैं हमारे पास में बहुत एक लंबे समय से, शुरू हुआ था हमारे पास में पास में रहना और अभी भी हमारे पास में क्या है, चल रहा है हमारे पास में, ठीक है, अभी भी हमारे पास में क्या है, चल रहा है हमारे पास में, दूसरा क्या है हमारे पास में, एक्शन जो पास में हो चुका है, एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड इन पास्ट बट इट्स इफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट, काम आपका जो है वो पास्ट में खत्म हो गया था, काम आपका क्या है पास्ट में खत्म हो गया था, पर उसका असर क्या है अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, आगे बस समझ में, काम इफेक्ट अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे आई हैव बीन running for 3 hours and I am tired. Now, या फिर so I am tired now. मैं जो है वो 3 घंटे से दौड़ रहा था, मैं 3 घंटे से दौड़ रहा था, असर क्या है इसलिए मैं थका हूं, अरे बात समझ में, कि काम खत्म तो हो गया पास में, कि भाई 3 घंटे तो दौड़ रहा था पर थकावट तो 4 घंटे बाद में भी मुझे देखने को मिल रही है, तो उसका इफेक्ट हमारे पास में अभी भी एग्जिस्ट करता है, समझ में आ रही है बात, इफेक्ट हमारे पास में अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो फटाफट ढूंढ देख लेते हैं, एक बार रूल देख लेते हैं इसका,
क्या आएगा आपके पास में बताओ? परफेक्ट कर लिया और हमने कंटीन्यूअस भी कर लिया, रूल बता दो। सब्जेक्ट प्लस आता प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनवी प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर हैज हैव का हमने अभी कर लिया। हैज आएगा सिंगुलर के लिए, हैव आएगा प्लूरल के लिए, वही रहने वाला है आपके पास में। सिंस फॉर का देखो, सिंस फॉर जब स्टार्टिंग टाइम पता है, स्टार्टिंग टाइम इज नोन, तो सिंस जब स्टार्टिंग टाइम पता है आपके पास में, फॉर जब टाइम ड्यूरेशन पता है, फॉर जब टाइम ड्यूरेशन पता है आपको, जैसे देखो अर्पित हैज बीन स्लीपिंग सिंस 11 AM। अब मुझे स्टार्टिंग टाइम पता है, क्या पता है? स्टार्टिंग टाइम पता है कि कब सोया था वो, 11 बजे। आगे बात समझ में, यहीं पे अगर मेरे को ड्यूरेशन पता होता, अर्पित हैज बीन स्लीपिंग फॉर अराउंड 2 hours। अब मुझे स्टार्टिंग टाइम नहीं पता था, अंदाजन पता है शायद 2 घंटे हो गए सोते हुए उसको, तो हो गया 4। समझ में आ गई बात? नेगेटिव का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। इसी में कर लो, नेगेटिव क्या हो जाएगा? अर्पित हैज नॉट बीन स्लीपिंग Has not been sleeping since 11 AM। आधी बात समझ में? इंटरव्यू में क्या हो जाएगा? Has and भाई साहब आगे आ जाएंगे। Has oblique have plus subject plus be plus verb की first form plus ing plus object plus since oblique for। क्या हो जाएगा? Has Arpit Been sleeping, very good. Been sleeping since 11 AM. Has a pet been sleeping since 11 AM. समझ में आई बात? पक्का वाली? ठीक है। तो this finishes your प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट टेंस, और उसके सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। कल हम करेंगे प्रेजेंट के क्वेश्चन जो अलग अलग फॉर्म में आते हैं, मैं नहीं बताऊंगी कौन सा है, वो आप खुद देखेंगे, एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पास्ट। ओके okay?